इस वक्त जो आप पूछना चाह रहे हैं वो जो सूरत जरा मुख्तलिफ थी, जो ग्राउंड रियलिटी थी वो जरा मुख्तलिफ थी, और जो अभी जो हम नतीजा इस वक्त दे रहे हैं, जो आपके पास हमारे फॉर्म आए हैं, जो हमने फॉर्म बड़ी तगदो से 130 को भी हासिल किए हैं, जो हमारे पास जो फॉर्म आए हैं उसमें अभी तक नवाज शरीफ जो हैं वो यासमीन राशिद से हार रहे हैं, और जब हम फील्ड में फिर भी 77 इलेक्शन 2024 का पहला गैर सरकारी गैर हतमी मुकम्मल नतीजा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ये हल्का जीतने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध 66,100 वोट लेकर पहला गैर सरकारी गैर हतमी मगर मुकम्मल नतीजा इस वक्त आप जियो न्यूज पर देख रहे हैं। जीडीए के रोशन अली अपड़ो 6,150 वोट लेकर इनके रनर अप रहे हैं, इनके बहुत पीछे हैं साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध रोशन अली इसके बाद सुहेल वड़ाई साहब हमें करेक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह पहला गैर सरकारी गैर हतमी मुकम्मल नतीजा आप इस वक्त जियो न्यूज पर इलेक्शन हेडक्वार्टर की इस ट्रांसमिशन में देख रहे हैं। PS 77 क्या है शाजिद रोशन अली बरड़ो साहब क्या यास्मीन राशिद क्या बात है? वो अंसारी साहब अगर बात मुकम्मल करें यास्मीन राशिद जी अंसारी साहब आप हमारे साथ हैं जी बिल्कुल जो वो बात जो मैं आपसे बात कर रहा था उस वक्त मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस तरह देखें ये भी मुराद अली शाह साहब का रिजल्ट आ गया और अभी 11:30 बजे और PS का मुकम्मल रिजल्ट आ गया है, लेकिन लाहौर में इस वक्त जो सूबाई असम्बली के जो हलके हैं उनके 8-8, 9-9 हलकों के रिजल्ट भी नहीं आए, अभी तक किसी के पास कोई रिजल्ट नहीं है। ये भी मुकम्मल या शहर है, कोई ऐसा दूर नहीं, कोई दूर दराज के ऐसे इलाके नहीं है कि जहाँ से रिजल्ट आना मुश्किल हो, लेकिन अभी तक किसी जो हलके हैं 7 या 8 या 9 हलकों से ज़्यादा किसी सूबाई असम्बली का रिजल्ट अभी तक पता नहीं चल सका। और